बाहर आई ना इसे खुश हो गई कि मैं मामा जी से मिलने आ गई। बखलावा है ये। पूजा शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है रुजी? हाँ कौवा आले लग गया आले बा मॉर्निंग गाइज, आज है नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। वेलकम टू पहाड़ी कॉर्नर दोस्तों, कैसे हो आप लोग? से हाय, से हाय। हवा नानी, हवा नानी, हाउ आर यू पूछ रहे हो क्या? से हाय, से हाय। अभी हम करेंगे नाश्ता। सबसे पहले मम्मी बना रही है कुछ बढ़िया सा नाश्ता, मैं आपको दिखाती हूँ। और नाश्ता करेंगे, फिर हम अपने लंच की तैयारी कर देंगे जल्दी ही थोड़ा। और फिर मम्मी को चिवड़ा बनाना है, मम्मी चिवड़ा बनाने में बिजी हो जाएगी। और फिर मेरे को मिठाई लेने जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेने जाना है, वो ये सारी चीज़ें आज मुझे करनी है। फिर रात को हम करेंगे लक्ष्मी पूजा। आज का नाश्ता मम्मी बना रही है, ये हेल्दी पुडला बोलते हैं हम लोग इसको, मतलब गुजराती में तो पुडला बोलते हैं, ऐसे चीला भी शायद बोलते होंगे, काइंड ऑफ उत्तप्पा रहता है। तो ये मस्त हेल्दी नाश्ता आज बनेगा सुबह सुबह। मम्मी ने इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं, आप देख सकते हो, गाजर, टमाटर, प्याज, धनिया, ग्रीन हल्दी, मतलब जो कच्ची हल्दी रहती है वो भी मम्मी ने डाली है। फिर क्या है, बेसन बेसन हाँ, फिर नाचनी का आटा। अच्छा, नाचनी का आटा भी डाला है। सूजी, सूजी, रवा, हाँ रवा, सूजी, बेसन। देखो इतना अच्छा हेल्दी नाश्ता आज बन रहा है। ये देखिए मेरी चाय बन रही है यहाँ पे। सो हमारी रूही पहले खा रही है उसका पुडला। कैसा लगा रूही? रूही, रूही, इतनी मगन हो गई है, देखो कितना टेस्टी है कि मगन हो गई है। खा लो, ईट। कैसा है? तत्ता है, गरम है, गरम है। रूही का जो पुडला होता है वो मम्मी ना घी में बनाती है, हम तो ऑयल वाला खा लेते हैं, लेकिन रूही के लिए स्पेशल घी वाला पुडला बनता है ना रूही? इस पुडले में से गाजर निकाल निकाल के खा रही है अलग अलग करके। सो हमारे पुडले आ गए हैं, अब हम अपनी चाय के साथ करेंगे पुडला एंजॉय। मम्मी अभी खाना बना के हो गया है, मम्मी ने सब्जी बना दी भिंडी की और मैंने चपाती बना दी, अब हम थोड़ा टाइम में खाएंगे। फिलहाल भूख तो नहीं क्योंकि नाश्ता आज लेट हुआ हमारा। रूही देखो, गिव गिव, ऐसे गिव दे, ऐसे। अरे बाबा, कांदा ऐसे नहीं करते रूही, दिस इज ऑनियन। व्हाट इज दिस? ऑनियन, से रूही, से ऑनियन। इसके बाल कितने भी बनाओ, इसके बाल ऐसे ही हो जाते हैं चोटी करने के बाद भी। ऑनियन से शूज, हो मैंने कहा टाटा तो ये चल पड़ी शूज, शूज, शूज लेने। अभी देखना अपने शूज लेके आएगी उठा के, ये देखो मैंने टाटा कहा ना तो ये शूज उठा के लेके आ गई। ओ गॉड, नहीं ऐसा नहीं होता मम्मी, नहीं ऐसा नहीं होता। अरे रूही सेम नहीं है, आप एक ये लेके आए, आप ये एक लेके आए, सेम सेम नहीं है, ये अलग अलग शूज है। शूज गोद में रख दिए, अब रख दो, अभी हम नहीं जा रहे टाटा। रूही टाटा नहीं जा रहे, रख दो। ये देखो बंद करके भी आएगी अच्छे से, समझदार लड़की हमारी। शूज निकाले और देखो बंद भी कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा है, कितना सोना बच्चा है ना ये। ए क्या करना, अभी कहाँ जाना आपको शूज पहन के, कहाँ जाना? मम्मी शूज फेंक रही, देखो 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 भाई, शूज डालना है रूही को। अंदर तो रख दो चप्पल,
आले लगा, आले बाबा, कहाँ लगा, कहाँ लगा, कहाँ लगा। हाय रूही, से हाय। से हाय। तो अभी हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। रूही मुझे करने नहीं दे रही है, इसलिए ये मेरी गोद में आके बैठ गई है कि जय जय करनी है, ऐसा बोल रही है। अगर मैं इसको उतार दूँ ना, तो ये सब बिखर बिखर हो जाएगा। देखो देखो चल पड़ी। सब सब बैंड बजा देती है रूही। वो देखो देखो पापा क्या कर रहे हैं। अभी तक मैंने रूही को रेडी नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं अभी रेडी कर दूँ तो उसको गर्मी लगेगा। तो मैं अभी तक उसको रेडी की नहीं हूँ। आज बाल को बना दूँ जरा। चलो देखो देखो जिद आ रही है इसको। क्यों इसको हाथ लगाने नहीं दे रहे वहाँ पे। क्या करें क्या करें बताओ लड़की का। जैसे किया रूही ने। सो अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, सब सेट करके रख दी हूँ, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो सब मुझे आसपास ही मिल जाए। वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ रह गया, क्या करना है, सामान लेके आओ, ऐसा होता है। देखो मेरे दिए के बबू, अच्छा ये लो, ये ले लो, इसके साथ खेलो और अब शांति से बैठ जाओ। तो क्या चाहिए आपको, आप क्यों मस्ती कर रहे हो इतना सारा। ही क्या व्हाट ही कान में डाल रही हूँ। गुली गुली गुदगुदी कर रही है रही। गुदगुदी रही क्या कर रही है गुदगुदी। किसने बताया इसे कान में डालने का रूही को। क्या हो रहा है रूही। ये देख रही हमारी रूही। उधर पापा को देखो आप। रूही ने इतना बढ़िया से शरारा पहना है। देखो एक्चुअली ये मेरी एक भाभी है गांव में, जो उन्होंने दिया था। सो आज हमने रूही को बनाया और रूही को इतने अच्छे बाल बनाए थे जो इसने खराब कर दिए। लुक लुक क्या किया रूही आपने, इतने अच्छे बाल बनाए थे। सिट अप, ए नहीं करो, बैठो इधर। इस लड़की को शांति नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है। ये पूजा कर नहीं थे। तो वो तैयारी हमने कर दी है, पूजा की सब मैंने कर दिया। अब हम पूजा शुरू करते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बाकी घर वाले कहाँ हैं, एक्चुअली वो आ रहे हैं, पटाखे फूट रहे बैकग्राउंड में, वो आ रहे हैं। तो तब तक मेरा जो एक पूजा रहता है वो मैं कर रही हूँ, और फिर वो भी ज्वाइन करेंगे साथ में। सो चलिए पूजा शुरू करते हैं। आज दीपावली है और पूजा का टाइम हो गया है। चलिए दिवाली के टाइम मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है, और ऐसे भी दिवाली में बहुत मजा आता है मेरे को मिठाई खाने में। मेरी फ्रेंड जैना अपने दिवाली स्वीट्स भेजे हैं, देखते क्या है। दिवाली स्वीट्स है, बखलावा है ये। ओह
बकलावा खाएंगे अभी हम। चार जन के चार जैनब ने भेजा है, थैंक यू जैनब। आज मैं पहली बार टेस्ट करने जा रही हूँ बकलावा, थैंक यू जैनब। वाओ वेरी नाइस। सेम ही है, ऊपर का परत ये रहेगा। हैप्पी दिवाली मेरी शोनी को। अभी हैप्पी दिवाली है रुही। हैप्पी दिवाली कर दो पापा को। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सो अभी हम निकले हैं मेरे घर के लिए, हम जा रहे हैं। ये हमारी रुही छोटी बच्ची यहाँ पे खड़ी है। सो मम्मी के घर पे जाना है, लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, अभी थोड़ी टाइम के लिए जाके आती हूँ, एक हाजिरी दे के आती हूँ दिवाली की। और कभी भी बिल्डिंग में जैसे एंट्री मारती है ना यहाँ पे, तो नीचे से शुरू हो जाता है उसका नाना जी मामा जी नानी। जितना पहचान है उसको बिल्डिंग और घर का, यहाँ पे बाहर आई ना जैसे खुश हो गई कि मैं मामा जी से मिलने आ गई, नानी से मिलने आ गई। और यहाँ पे आके दिखा रही है मैंने सैंडल पहना है, अभी हम बैठे हैं मम्मी के घर पे, और मम्मी के घर पे बैठ के हम खुद का ही ब्लॉग देख रहे हैं जो आज आया है। ये देखिए वहाँ पे विवेक रूही बैठे, खुद का ही ब्लॉग हम देख रहे हैं। अगर आपको मैं ब्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाके ये वाला ब्लॉग देखने के बाद देख लो, पर देखना ज़रूर, मज़ेदार बहुत बढ़िया ब्लॉग है, देखो ठीक है ना। दिवाली में घर पे क्या क्या बना है सारी चीज़ें बताओ। हाँ घर पे क्या क्या बना है सब पता है। और बात पीछे पटाखे की आवाज़ इतनी आ रही है कि मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ कट नहीं वाली है। चालू रहे मम्मी वीडियो देख के कंफ्यूज हो गई कि मटके का ढक्कन नीचे क्यों है, मम्मी को दिख ही नहीं रहा है कि मटका उल्टा है। अरे मम्मी बोल रही है कि मटका ऐसे रखा है, मटके के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं, मटके का ढक्कन नीचे क्यों है, ऐसा सब बोल रहे हैं। मटके को ध्यान से देखो तो ही नहीं रखी रहा तो तिरा धो के रखो। मैंने वो वीडियो में बोला भी ना लोगों की नजर अपने पे कम किसी चीजों पे ज्यादा पड़ेगी, देखना वो मटका उल्टा उस पे कोई ना देखे बोला। मैं आ गई हूँ फिर से घर पे और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, आँखों से फिर से पता चल रहा होगा, कल ऑलरेडी लेट सोए थे और आज फिर से लेट सोए लेट हो गया है। क्या कर सकते, ऊपर से जो पटाखे बाहर फूट रहे हैं, जो पटाखे बाहर फूट रहे हैं ना, ये डिस्टर्बेंस पता नहीं हमें सोने देगा या नहीं, देखते हैं। एनी वेज गाइज, हैप्पी दिवाली एंड ऑफकोर्स हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते ऐसा मत करो, लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।